पाकिस्तान पे स्कोर बढ़ता हुआ 80 रन, तीन ओवर 80 रन। ये रिकॉर्ड तोड़ना बहुत मुश्किल। पानी चाहिए। अभी तक कोई सफलता प्राप्त करने में कोई भी गेंदबाज सक्षम नहीं रहा है। लोकल टीम जरूर है सना बुजुर्ग की, और जब अपने आसपास कहीं भी टूर्नामेंट होता है तो सबकी इच्छा होती है कि उस टूर्नामेंट में अपनी हिस्सेदारी ली जाए, और सना बुजुर्ग की टीम इस टूर्नामेंट में उपस्थित है। लीग मुकाबला है और अब आए हैं लालू। अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी, छोटे कद के खिलाड़ी लेकिन प्रतिभा बहुत ही बेहतरीन। और ये मैच लाइव शुरू कर दिया गया है, और इस बीच चार रन। आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, सना प्रीमियर लीग फेसबुक के माध्यम से आप लाइव देख सकते हैं, जो कि इस वक्त कैमरामैन सत्यम शुक्ला के द्वारा इस मैच का लाइव प्रसारण किया जा रहा है। लालू रितेश के लिए, और क्या खेला है, ये जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो छक्का लगने का जो सिलसिला है वो क्रमशः जारी है। काफी तेजी से रन बनाती हुई बरेपार की टीम, और मैं आपको बताना चाहूंगा SPL सीजन 5 में थोड़ा सा परिवर्तन जरूर किया गया है हर साल की अपेक्षा। इस बार जो कि पिंक गेंद का इस्तेमाल किया गया है और काफी रन बन रहे हैं इससे। पहले मैच की बात की जाए तो उसमें कुछ ज्यादा नहीं बना था, रन बन रहे थे, लेकिन जबरदस्त गेंदबाजी लालू के द्वारा जिस सफलता की दरकार थी वो सफलता यहाँ पे प्राप्त करती हुई बेहतरीन गेंदबाजी। मैं चाहूंगा एक बार फिर तक तालियों से स्वागत करें इस गेंदबाज का, जहां रन पे रन बन रहे थे वहां पर विकेट निकालते हुए अपनी टीम के लिए बेहतरीन गेंदबाजी लालू के द्वारा। रितेश को बोल्ड कर दिया, और मैं चाहूंगा पत्रुखा के बहुत ही बेहतरीन कमेंटेटर नागेंद्र जी, पत्रुखा के बहुत ही बेहतरीन कमेंटेटर नागेंद्र जी, मैं चाहूंगा एक बार आपकी उपस्थिति हो जाए और इस मंच के माध्यम से आप सभी की कमेंट्री हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। यह मैच जो कि लाइव चलता हुआ, और विवेक यादव के द्वारा लालू को 21 रुपए का पुरस्कार दिया गया इस बोर्ड पे। मैच खत्म होने के बाद वो आकर के अपना पुरस्कार ले लेंगे। शानदार कट और पूरी तरह से गैप में, किसी भी फील्डर के पास कोई चांस नहीं। दर्शक कल का मैच देखना ना भूले, क्योंकि कल के मुकाबले में बड़हलगंज, उजेर, टीयर और
नारायणपुर जैसी टीमें इस टूर्नामेंट में अपना जलवा बिखेरते हुए नजर आएंगी। एक बड़ा ताट और छह रन इस छक्के की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 100 रन बड़ा स्कोर। और इस मैच का आंखों देखा हाल साथी कमेंटेटर नागेंद्र जी के द्वारा आप सभी तक पहुंचाया जाएगा। धर्मेंद्र की अगली गेंद सामना करेंगे बड़ी पार के दाहिने हाथ के बल्लेबाज। अगली गेंद बहुत अच्छी है, टप्पा खाने के बाद थोड़ी बहुत गरीब पूरी तरह से बीच किया बल्लेबाज को, कहीं ना कहीं उनके अनुमान से ज्यादा गेंदों की स्विंग करती हुई और पूरी तरह से चकमा खा गए बल्लेबाज। इसी बीच बाएं हाथ से ओवर द विकेट कि फेंका गया, बैठा दिया है इसी ने रोनाल्ड और पिंग के बाउंड्री लाइन के बाहर छह रनों के लिए एक और टावर चंपर आता हुआ बरई पार के लिए। शानदार बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा यहाँ पर पेश करते हैं बरई पार के बल्लेबाज। कहीं न कहीं गेंद उनको फुटबॉल की तरह दिखाई दे रही है सराव के पिच पे। इसी बीच अगली गेंद फिर से गेंद को निकालना चाहे जरूर, लेकिन गेंद उनके कहीं या कहीं न कहीं यहाँ पर अपील जरूर की गई थी, व्हाइट की मांग की गई थी, लेकिन अंपायर ने उसको नकार दिया। बहुत ही अच्छी अंपायर दोनों हमारे मैं बताना चाहूंगा पांचवा विजन सराव की पावन धरती पर हमारे दोनों ही अंपायर, एक अंपायर ऑस्ट्रेलिया दूसरे अंपायर को न्यूजीलैंड से स्पेशल विमान द्वारा बुलाया गया है कोरोना काल को देखते हुए। इसी बीच अगली गेंद बाएं हाथ से ओवर द विकेट बाएं हाथ से बल्लेबाज के लिए चुनौती बहुत ही कठिन होगी। बहुत अच्छी गेंद लेकिन वहां पर थोड़ी सी फुर्ती जरूर दिखाई दी दोनों ही बल्लेबाजों ने, लेकिन गेंद बहुत ही देर से पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में और एक रन दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर धीरे धीरे छलांग लगाता हुआ विशाल स्कोर की तरफ जाता हुआ ओवर बाद बताया जाएगा आपको। रिकॉर्डों का रिकॉर्ड यहाँ पर लगता है बड़े पार के बल्लेबाजों द्वारा, छक्के पे छक्का और चौके पे चौका, दर्शकों का भरपूर मनोरंजन यहाँ पर होता हुआ और कहीं न कहीं उसका खमियाजा सारा बोल तो भुगतना पड़ सकता है। इसी बीच अगली गेंद सुरेंद्र की अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी उछाल ली थोड़ी बाहर निकली बल्लेबाज ने वहीं पर गेंद को प्लेस करके आंखों आंखों में चुरा लिया। ओवर की समाप्ति पांच ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर बड़ा ही पार का छलांग लगा।